Hello guys and welcome back to my channel जिसका नाम है English Lessons with Monn. So guys, आज हम आपका एक और chapter start कर रहे हैं आपकी book Beehive में से जिसका नाम है The Bond of Love और इसमें बहुत सारा love है. मतलब ये chapter है आपके किस चीज़ पे based है, पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो ये chapter है based एक human और एक animal के love के ऊपर, मतलब उनके प्यार के ऊपर. और हमेशा इंसान यही सोचते हैं कि अब हम इंसान ही सिर्फ प्यार कर सकते हैं, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती एनिमल्स में. बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज कि एनिमल्स में भी उतना ही प्यार होता है जितना हमारे अंदर होता है, और ये चैप्टर उस चीज़ का प्रूव है. सो गाइज, आई विल जस्ट बिगिन विद द चैप्टर. सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो ऐसे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब छोटे 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 करके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं. बट कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, सो अपन वो देखेंगे. द ऑथर्स वाइफ, ऑथर की वाइफ का जितना मुझे पता है कि आपके इस बुक के अंदर कोई भी नाम मेंशन नहीं दे रखा, ठीक है. और उनकी वाइफ के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है कि उनके वाइफ और ऑथर की वाइफ और उनका एक पेट के बीच में कितना प्यार था. और द पैट बियर ब्रूनो, जिसका बाद में नाम बदल के क्या हो गया था, बाबा, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. 2 years ago, अब मतलब यहाँ पे ऑथर अपनी स्टोरी बिगिन कर रहे हैं, वो बताना चालू कर रहे हैं कि कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें हुई थी और कैसे शुरुआत हुई थी. द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड. शुगर केन फील्ड क्या होता है, गन्ने का खेत, नियर मैसूर. वो लोग वहाँ से पास कर रहे थे, उस फील्ड से पास कर रहे थे, शुगर केन फील्ड से पास कर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम. और कुछ लोग थे जो पिग्स, वाइल्ड पिग्स को शूट कर रहे थे. सडनली अ स्लॉथ बेयर केम आउट ऑफ द वेल्ड, ठीक है. अचानक से उनकी गाड़ी के सामने, उनकी कार के सामने एक स्लॉथ बियर, ठीक है, ब्लैक कलर के होते हैं स्लॉथ बियर, ब्लैक एंड लाइटिश ब्राउन कलर के, जो अपन के जंगली बियर होते हैं वैसे, ठीक है. सो वो उनके सामने आ जाते हैं. वन ऑफ द राइटर्स कंपेनियन, मतलब राइटर के कंपेनियन, कंपेनियन माने पार्टनर, शॉट द बियर. शॉट द बियर मतलब वो उसको गोली से मार देते हैं. इट फेल डेड, वो मर जाता है. कौन? बियर. They came near the fallen animal. They saw a bear cub riding on its mother back. वो उसके पास जाते हैं, उस बियर के पास जाते हैं जिनको उन्होंने गोली मार दी होती है. और वो लोग इस चीज़ का देखते हैं कि उसके ऊपर एक छोटा सा बेबी बियर भी बैठा हुआ है. The cub was making pitiful howls. मतलब वो बच्चा जो था, छोटा बच्चा, वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ की डेथ पे रो रहा था. The writer tried to catch it. उन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की. वो लोग, वो अपनी जान बचाने के लिए, उसको लगा कि ये मुझको भी मार देंगे, तो वो भागा फील्ड के अंदर. वो लोग उसको फील्ड से पकड़ के लेके आए. फिर उन लोगों ने उसको एक बैग में डाला, छोटे से बियर को, बेबी बियर को. और वो उसको कहाँ पे लेके चले गए थे, बैंगलोर. तो गाइज, आपको यहाँ पे 2 लोकेशन क्लियर होती है. पहली लोकेशन की जहाँ पे उनको वो बियर मिला था, दैट इज़ मैसूर. और अब वो लोग कहाँ पे रहते थे, मतलब बेसिकली उनकी बिलोंगिंग्स कहाँ की थी, तो दैट वॉज बैंगलोर. सो द ऑथर प्रेजेंटेड द लिटिल क्रीचर टू हिज वाइफ. ऑथर ने वहाँ से वो बेबी बियर लेके आते हैं मैसूर से, और उसने किसको प्रेजेंट किया, उन्होंने अपनी वाइफ को एज अ प्रेजेंट. शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. शी नेम द बियर कब ब्रूनो, और उन्होंने उसका सबसे इनिशियल नाम क्या रखा था, ब्रूनो. द ऑथर्स वाइफ ब्रॉट अप ब्रूनो विथ लव एंड केयर, और उन्होंने उसको प्यार से और केयर से बड़ा किया. शी लुकड आफ्टर द बियर कब एज हर एज ही वर हर ओन चाइल्ड, और वो उस बियर कब को उसकी तरह देखने लग गई जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो. At first, Bruno was taught to drink milk from a bottle. जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो बॉटल से दूध पीता है, उसी तरीके से उन्होंने ब्रूनो को भी इनिशियल स्टेज में, जब वो बहुत छोटा था, बॉटल से दूध पिलाते थे. Within a few days, he starting eating normally. वो थोड़े टाइम में बिल्कुल नॉर्मल खाने, जैसे नॉर्मल लोग खाना खाते हैं हाथों, मतलब अपने आप एक एनिमल वैसे खाने लग गया. He drank and eat everything. वो सब कुछ खाने लग गया. He eat vegetables. ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका क्वेश्चन इस पर आ सकता है. He ate vegetables, fruits, nuts, meat, curry and rice. He did not mind even and chilies in the curry. वो किसी भी चीज़ को माइंड नहीं करता था, उसको कोई मिर्ची नहीं लगती थी, वो हर चीज़ एक नॉर्मल इंसान की तरह
खा लेता था विद अ ईज, मतलब बहुत ईजीली खा लेता था. ही एट ब्रेड्स, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा. एज फॉर ड्रिंक, ही ड्रैंक मिल्क. अब वो पीने में क्या क्या पी सकता था वो सब पी लेता था. मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, वाटर, बियर एंड अदर थिंग्स. वो सब कुछ ले लेता था एज अ ह्यूमन, क्योंकि he was bear after all. ठीक है, he became attached to all the childrens of the tenants living in the Bangalore. ठीक है, वो सारे नेबर से, उनके आसपास जितने भी नेबर थे उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था. वो उनके साथ में अटैच हो गया था. कौन? ब्रूनो. he spent time in playing, running in the kitchen and going to sleep in the beds of the author and his wife. वो किस तरीके से अपना दिन का टाइम बिताता था? by playing, खेल के, भाग के इधर उधर किचन में और वाइफ और हस्बैंड के साथ में उनके पलंग पर जाके सो जाता था. because of the love and affection shown by the author's wife, he developed great affection for him. सो उसने, मतलब ऑथर की वाइफ उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि ब्रूनो भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था ऑथर की वाइफ से. अब यहाँ पे दो इंसिडेंट हैं, जो दो एक्सीडेंट ब्रूनो के साथ में हुए थे, इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव टू लर्न दिस और बस याद ही रखना है इसको. देयर वर रैट्स इन द ऑथर्स लाइब्रेरी. ऑथर की लाइब्रेरी में बहुत सारे रैट्स थे. रैट्स माने चूहे थे. इन ऑर्डर टू किल दैम, उनको मारने के लिए, ही हैड पुट डाउन बेरियम कार्बोनेट इन द लाइब्रेरी. उनको मारने के लिए उन्होंने बेरियम कार्बोनेट को लाइब्रेरी के अंदर छोड़ दिया. इट वॉज पॉइजन. वो जहर था. जहर अपन चूहों को मारने के लिए कितना कुछ करते हैं. सो ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट सम ऑफ द पॉइजन. ब्रूनो लाइब्रेरी के अंदर आया और उसने वो बेरियम कार्बोनेट खा लिया. उसको लगा कुछ खाने की चीज़ है. ही सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस. उसको पैरालिसिस हो गया था उस चीज़ को खाने से, उस पॉइजन को खाने से. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्लोली टू द ऑथर्स वाइफ. वो इतनी कंडीशन में नहीं था कि वो चल सके, बट समहाउ ही मैनेजेस टू ड्रैग हिमसेल्फ. मतलब उसने इतनी कोशिश की कि वो अपने आप को रेंगते 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 किसके पास लेके गया था? ऑथर की वाइफ के पास. ही वॉज वीकनिंग रैपिडली. वो कमज़ोर होता जा रहा था. ही वॉज ब्रीदिंग हैवली एंड वॉमिटिंग. वो उल्टियाँ कर रहा था, वो तेज तेज सांस ले रहा था. फटाफट से वो दोनों, ऑथर और उसकी वाइफ, उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने उसको 10 cc एंटीडोट दिया थ्रू एन इंजेक्शन. आपको कुछ भी इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एज अ क्या कहते हैं सल्यूशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसकी जो भी बीमारी थी उसका क्या कहते हैं, उसकी कौन सी दवाई दी थी, सॉरी उसको कौन सी दवाई दी थी. आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है. बट हिज कंडीशन रिमेंड अनचेंज्ड. और उसकी कंडीशन लेकिन फिर भी बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हुई. देन अदर 10 cc वॉज इंजेक्टेड. और उसके बाद में और 10 cc उसको इंजेक्टेड हुए. मतलब पहले तो 10 cc पड़ा, फिर वापस 10 cc पड़ा. दिस इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन. और इसने उनकी कंडीशन को, उसकी कंडीशन को ठीक कर दिया. ब्रूनो गॉट अप एंड एंजॉयड अ ग्रेट मील. उसने बहुत अच्छे से खाना खाया उठने के बाद. अनदर टाइम द लिटिल बियर ड्रैंक एन ओल्ड इंजन ऑयल. और दूसरी बार जो गंदा इंसिडेंट उसके साथ में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसने एक ओल्ड इंजन ऑयल, मतलब उसने ओल्ड इंजन ऑयल, जो गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डलता है, वो पी लिया. बट फॉर्चुनेटली इट हैड नो इफेक्ट. पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ. और एक गैलन ऑफ शायद उसने इंजन ऑयल पिया था. बट द पैसेज ऑफ टाइम ब्रूनो ग्रो अप इन साइज. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ब्रूनो भी बहुत बड़ा होता गया. ही बिकेम इक्वल टू द एल्सेटियंस इन साइज. ठीक है, एल्सेटियंस मतलब वहाँ पे उनके डॉग थे. आपने जर्मन शेफर्ड्स का नाम सुना होगा. तो उनकी तरह, एल्सेटियंस की तरह वो बड़ा होने लग गया. एंड इवन आउटग्रो देम. और उनसे भी ज़्यादा बड़ा होने लग गया इवन. बट ही वॉज जस्ट एज मिसचीवियस एज बिफोर. लेकिन वो उतना ही शैतान था जितना वो छोटा बच्चा था. He was very fond of people around him. वो बहुत ज़्यादा खुश होता था उसके चारों तरफ लोगों को देख के. But he especially loved the author's wife. लेकिन रहता है ना, soft corner किसी particular इंसान के लिए. उसके लिए soft corner कौन था? Author's wife. She also loved him. She changed Bruno's name to Baba. और इस time पे उन्होंने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया था. Which in Hindustani means a small boy. जिसका मतलब था एक छोटा बच्चा. द बियर कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स. अब जो बियर था, भालू था, ठीक है, बाबा था, वो कुछ ट्रिक्स कर सकता था. ट्रिक्स माने जैसे अपन छोटे बच्चे को सिखाते हैं वैसे उसको भी सिखाई थी. फर्स्ट ट्रिक. और ये भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ही स्टार्टेड बॉक्सिंग अप
anybody's who is near him. When somebody gave him a stick and said, Baba, hold gun. ठीक है, box, sorry. When he asked Baba box, जब उसको कोई बोलता था Baba box, box का मतलब, जब कोई उसको बोलता था Baba box, box का यहाँ पे मतलब है वो डब्बे वाला box नहीं, box का मतलब है wrestle, ठीक है, लड़ना एक दूसरे से, कुश्ती करना. He started boxing up another anybody who was near him. जो भी उसके पास में आता था वो उससे लड़ाई करना चालू कर देता था. When someone gave him a stick and said, Baba hold gun. और जब कोई उसको एक छोटी सी stick पकड़ाता था और बोलता था कि Baba hold gun. तो वो उस stick को उसकी तरफ point करने लग जाता था. ठीक है, ये दो tricks थी. Next trick. When he was asked, Baba, where's baby? जब उससे कोई पूछता था, Baba, where's baby? He immediately produced, and cuddled the piece wood. एक वो छोटी सी wood को अपने हाथों में रख के, एक छोटे बच्चे को जैसे आप treat करते हैं, अपनी गोदी में लेके वो वैसे act करने लगता था. But because of the tenant's children, the beer had to be kept changed most of the time. लेकिन बच्चों, पड़ोसी के बच्चों के कारण उसको most of the time कैसे रखते थे, चेनों से बांध के. With the passage of time, time बीतता गया, the beer became too big to be kept at home. वो इतना बड़ा हो गया कि उसको घर पे नहीं रख सकते थे. The author, his friends and his son advised the author's wife. उनके घर में सबने ऑथर की वाइफ को ये चीज़ एडवाइस करी कि इसको हमें ज़ू में छोड़ के आ जाना चाहिए, मैसूर के अंदर, यहाँ पे हमें इसको घर में नहीं रखना चाहिए. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी फाइनली एग्रीड. कुछ हफ्तों बाद शी फाइनली एग्रीड कि ठीक है, हम इसको ज़ू में रख देते हैं. अ लेटर वॉज रिटन. ठीक है, उसके जू के मैनेजर को एक लेटर लिखा गया था और उनसे पूछा गया था कि डू दे वॉन्ट अ बियर. ठीक है, उनको क्या एक भालू चाहिए, तो उन्होंने लिखा था येस और दे एग्रीड और उसके बाद में बाबा को वहाँ पे भेज दिया गया था. शी वेप्ट एंड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज रिफ्यूज टू टेक फूड. वो बहुत रोई बाबा के जाने के बाद और उन्होंने कुछ दिन के लिए खाना खाना भी बंद कर दिया था. शी रोट अ लेटर टू द जू. शी आस्क्ड इन हर लेटर अबाउट द कंडीशंस ऑफ बाबा. और उन्होंने उनकी बाबा की कंडीशंस के बारे में जू वालों से पूछा कि वो कैसा है और उन्होंने बताया कि वो भी कुछ नहीं खा रहा. ठीक है, तो बाबा भी कुछ नहीं खा रहा था जू के अंदर. ही वॉज इनकंसोलेबल. ही ऑल्सो डिड नॉट टेक फूड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज. और उसने भी कुछ दिनों के लिए खाना नहीं खाया था. ही वॉज वेल बट लुक्ड थिन एंड सैड. वो ठीक था पर वो बहुत पतला और उदास लग रहा था. The author's wife was very sad at her separation from the bear. वो बहुत ज़्यादा दुखी थी उनके उसके सेपरेशन से और वो 3 महीने तक उससे मिलने नहीं गई थी क्योंकि वो शायद उससे मिल नहीं पाती. दुख होता है. So at last she took his wife to Mysore Zoo to meet Baba. Finally जो author थे वो अपनी wife को लेके गए बाबा से मिलने. The author and his wife and his friends had suggested that the bear would not recognize her after 3 months. और सबने उसको ये चीज़ बोली थी कि वो तेको नहीं पहचानेगा. After all, he is an animal और he will not recognize you. But as soon as Baba saw her, और लेकिन जैसे ही बाबा ने उसको देखा था author की wife से, he recognized her. उसने फटाफट से पहचान लिया, अरे ये तो वो ही है. He cried and with happiness. और वो रोने लग गया खुशी के मारे कि She is here now. She ran up to him and patted him. वो भी उसकी तरफ भागी और patted मतलब पीठ पे थपथपाते हैं ना अपन, that is patted. So उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया. He stood up on his head in delight. और वो खुशी के मारे अपने सर केवल खड़ा होने लगे, वो इतना खुश था. For the next 3 hours she did not leave the cage. वो अगले 3 घंटे तक वहीं पे थी and she did not leave the cage. She gave him tea. उन्होंने उसको क्या क्या चीज़ें दी. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने चाय दी, लेमनेट, केक्स, आइसक्रीम एंड अदर थिंग्स. और उसको सब कुछ खिलाया उन्होंने अपने हाथों से. एट लास्ट द क्लोजिंग टाइम. अब जू के बंद होने का टाइम आ गया था तो शी हैड टू लीव. बट द ऑथर वाइफ्स वेप्ट बिटरली. और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि वो ऐसा सेपरेशन वापस से सहन नहीं कर सकती थी. और शी कुड नॉट लिव विदाउट द बियर. और वो उस भालू के बिना, मतलब उस बाबा के बिना नहीं रह सकती थी. उन्होंने वापस से सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आई वांट माय बेबी बियर बैक. और मुझे मेरा बेबी बियर वापस चाहिए. ही वाज अ काइंड मैन. वो बहुत अच्छा इंसान था सुपरिटेंडेंट. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा
बेबी ले जाओ। एट होम उनके घर पे एक छोटा सा आइलैंड टाइप तैयार किया गया था बाबा के लिए, जिसमें वो आराम से रह सके। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, इतना लंबा था। इट वॉज सराउंडेड बाय अ मोर 6 फीट वाइड एंड इवन 7 फीट डीप, इतना मतलब मिट्टी से, वुडन बॉक्स से उनके लिए वो, बाबा के लिए वो पूरा आइलैंड बनाया गया था। बाबा टू स्लीप एट नाइट, स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वॉर्म। बाबा वॉज वेरी हैप्पी इन हिज न्यू होम। द ऑथर्स वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग देयर। It is the story of the love between man and animal. It shows that animal also have sense of love, affection and loyalty. Baba वहाँ पे बहुत खुशी खुशी रहने लग गया अपने नए घर में, और ये story based है कि एक man और एक animal के बीच में कितना ज़्यादा प्यार होता है। And I just love this picture. So it shows that animals also have sense of love. उनमें भी sense of love है, वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होते हैं, वो सब समझते हैं। अफेक्शन एंड लॉयल्टी, और वो तुम्हारे साथ में बहुत लॉयल होते हैं। सो गाइज, दिस एंड्स विद अनादर वीडियो, और ये वीडियो था द बॉन्ड ऑफ लव फ्रॉम द बुक बीहाइव। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।